नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक और मैं हूं आपके साथ गौतम जोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी इस संबोधन में लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके पहले कल पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को लेकर सुझाव भी मांगे थे और सभी राज्यों को लॉकडाउन को लेकर ब्लूप्रिंट बनाने के लिए भी सूचना दी थी। 51 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज से भारतीय रेल सेवाएं हुई शुरू। लॉकडाउन के चलते भारतीय रेल सेवाएं पिछले 51 दिनों से बंद थी। हालांकि प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ ट्रेनें चलाई गई थी, पर आज से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी यात्रियों के लिए रेल सेवाएं शुरू कर दी गई है और आज से 15 रूट पर 30 ट्रेनें चलेगी, जिसके लिए टिकट की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही कर पाएंगे। स्टेशन से टिकट नहीं मिलेगा और जिनकी टिकट कंफर्म होगी वे लोग ही स्टेशन पर जा पाएंगे। भारतीय रेल विभाग ने भी इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों के पालन हो इसके लिए खास व्यवस्थाएं भी बनाई है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे की पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो शुरू हो रही है। अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर हम हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी लंबी कतार लगी हुई है। ये सारे वो पैसेंजर हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपना बुकिंग करवाया था और अब ये लोग अपना सफ़र कर रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। जो पैसेंजर है वो करीब 4 बजे से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 6:20 पर ये ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। वैसे में लंबी ताल लग चुकी है। हर किसी के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो पैसेंजर है वो अपना आई कार्ड और अपनी टिकट जो है उसे अपने हाथों में रखे। साथ ही उनका थर्मल चेकिंग किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको ट्रेन में सवार होने दिया जाएगा। अगली खबर आ रही है सूरत से, जहाँ पर आज फिर एक बार मजदूरों ने हंगामा किया। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वे लोग लगातार अपना रोष प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसी बीच आज फिर एक बार सूरत की एक निजी कंपनी में काम करने वाले मजदूरों ने तनख्वाह नहीं दिए जाने को लेकर हंगामा किया और हड़ताल पर उतर गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया। गौरतलब है कि लॉकडाउन में भी यह कंपनी चालू थी और कंपनी के मालिक ने कल से कंपनी बंद करने का फैसला लिया है। अब इस हालात में मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। अगली खबर राजनीति से, जिसमें आज गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का चुनाव रद्द किया। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने धोलका विधानसभा से 327 मतों से विजय हासिल किया था, पर उनकी जीत को कांग्रेस के नेता अश्विन राठौड़ ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया था कि बैलेट पेपर की काउंटिंग में अनियमितता हुई है, जिसमें आज गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा की जीत को अवैध करार देते हुए चुनाव रद्द करने का फैसला सुनाया। अब भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, तो वही कांग्रेस ने इसे सत्य का विजय बताया। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा धोलका विधानसभा क्षेत्र में पोते गैररीति थी चूंटणी जीता तेवू नामदार वडी अदालते आज आपेला चुकादा में धोलका विधानसभा की चूंटणी रद्द करी छे, कारण के समग्र प्रकार गैररीति आचरवामां आवी हती चूंटणी में ए स्पष्ट थाय छे। नामदार वडी अदालतना आ चुकादाने कांग्रेस पक्ष तरीके आवकारू छू अने आने सत्यना विजय तरीके गणावू छू। क्या विजय नेहरा की वापसी होगी या फिर मुकेश कुमार ही संभालेंगे अहमदाबाद की कमान? थोड़े दिन पहले ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर विजय नेहरा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। हालांकि उन्होंने अपना कोरोना रिपोर्ट करवा लिया है और रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इसी बीच विजय नेहरा को लेकर अटकलें तेज हो गई है कि सेल्फ आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद क्या विजय नेहरा की वापसी होगी या फिर उन्हें साइडलाइन कर मुकेश कुमार को दिया हुआ चार्ज जारी रखा जाएगा। गुजरात कांग्रेस की ओर से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजने का प्रबंध किया गया। लॉकडाउन के बीच गुजरात में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके वतन भेजने के लिए गुजरात कांग्रेस के द्वारा जरूरी प्रबंध करवाए जा रहे हैं और मजदूरों की ट्रेन की टिकट का भी कांग्रेस के द्वारा भुगतान किया जा रहा है, जिसमें आज अहमदाबाद से बड़ी तादाद में गुजरात कांग्रेस की ओर से मजदूरों को उनके वतन भेजा गया। अब जाते जाते नजर करते हैं गुजरात में कोरोना वायरस के आंकड़ों पर, तो गुजरात में अभी तक 8,700 से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से अकेले अहमदाबाद में कोरोना वायरस का आंकड़ा 6,200 के पार पहुंच गया है। तो अभी तक कुल 2,800 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी हो चुके हैं, तो वही तकरीबन 515 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात तक के कोरोना बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुजरात से जुड़ी हुई बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुजरात तक के साथ। नमस्कार।